खींच के चलाइए भाई, खींच के। पहली बार यही कहना चाहता हूँ कि मेले में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मैं ही हूँ। आप किसी भी एंगल से मेरी फोटो लोगे तो सेक्सी मैं ही दिखूंगा। खास करके बीवियाँ अपने पति का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लाली लगा देते हैं और पीछे किसी और को पिज्जा खिलाते मिलते हैं। चलिए मेला घुमाता हूँ। सबसे पहले तो हम पहुँच जाते हैं काउंटर पर और एक टिकट लेते हैं मात्र 20 रुपये की। तो फैमिली के साथ गया था, 2 टिकट ली। टिकट देते ही अंदर पहुँचे और अंदर पहुँचते ही सबसे खूब चीज़ दिखाई देती है सामने, ये लाल किला। तो एकदम से ताव मच जाती है, फ़ोटो खिंचवाएं। तो भैया लाइन में तो बीवी आगे थी, तो पहले वो पहुंच जाती है और सीधा ही फ़ोटो खिंचवाने लग जाती है। फिर आता है मुझ बेचारे का नंबर और फिर क्या होता है, वही फैमिली जैसी फ़ोटोज़। उसके बाद आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, सीधा 350 डिग्री एक ये सर्कल घूमता है और सीधा आपकी फ़ोटोज़ कैप्चर करता है, जिसका पिछले काफ़ी दिनों से ट्रेंड चल रहा है। वही काम मैंने भी किया और देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, लाल किले की फ़ोटो और साथ में मैं, और आ रहा है मज़ा। आजकल काफ़ी लोग डाल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से फ्री होने के बाद घूमते हैं मार्केट में, देखते हैं कुछ सामान है, कुछ ट्रेडिशनल सामान होता है, उसको देखने के बाद फिर सीधा से हम चले आते हैं खाने पीने वाली जगह। और साथ ही साथ यहाँ पर बीच में देखते हैं ऊँट भी घूम रहा है भैया, राजस्थान की तरह यहाँ ऊँट भी घूम रहा है। लगा सवारी करें पर भैया डर लगता है। आगे की तरफ पहुँचे, खाने पीने का देखा, जो चीज़ पसंद आई खाई, जो चीज़ नहीं आई वो नहीं खाई, सोच में पड़ गए। पहले बच्चों वाले झूले थे, बताओ क्या किया जाए। चलिए आगे घुमा के लाता हूँ, आगे क्या होता है, आगे डांस चल रहा होता है, बच्चे नाच रहे होते हैं और झूला झूल रहे होते हैं। फिर थोड़ा सा आगे और जाते हैं, डांस प्रोग्राम चल रहा है, देखिए। चलिए यहाँ से भी बोर हो गए, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, मज़ा नहीं आया तो आगे और चलिए, डांस देखिए, देखिए कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। ओ भैया ये तो झूला मुझे काफ़ी परेशान करेगा। फिर ये पान वाले के पास पहुंच जाते हैं, सोच में लग जाते हैं क्या करें। सीधा पहुंच जाते हैं अपने भैया, झूले वाले भैया के पास, देखते हैं कौन कौन जाएगा, पसंद कर रहे हैं कौन सा झूला, कौन सा ना झूले, कौन सा झूले। अरे भैया हाथ तो रख दिया खतरनाक झूले की तरफ। ओह ये बीच में आया तुम्हारा भूत बंगला, चलाइए दिखाते हैं आपको भूत बंगले की तस्वीरें। तो भैया तैयार हैं सब, देखिए किस तरीके से भूत बंगले में जाने की तरफ, देखिए अंदर असली भूत। तो अब हम पकड़ कर दिखाएंगे कि कैसा होता है भूत जो आपको बीच बीच में टांगे पकड़ लेता है और थप्पड़ से मारता है। बड़े खुशी के साथ निकल रहे हैं, बड़े खुशी के, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, भूत बंगला देखना था हमने तो भूत ही दिखा दिया। चलिए मैं भी निकल गया और मैं भी चलता हूँ आगे की तरफ, कितना मुस्कुरा रहा हूँ, वाह मज़ा आया। अब झूला देख रहे हैं, ये झूला झूलेंगे, अब चलते हैं झूले की ओर। चलिए लाइन में जो जो लोग हैं, चलते रहिए, रुक जाइए मैं भी चल रहा हूँ, चलिए। भैया ये झूला बड़ा डेंजरस सा लग रहा था, तो अब देखते हैं ये झूला क्या कुछ कमाल दिखाएगा और हमें कितना डर लगेगा और कितना मज़ा आएगा। चलिए ज्योति मैडम है, इनको बैठने दीजिए। और ये मेरी धर्मपत्नी भी आ गई है लाइन में और अब ये भी बैठेंगी। अब देखते हैं, सोच विचार चल रहा है, अब मेरा नंबर कहाँ पर आएगा। अरे भैया थोड़ा आगे कर लो, हाँ आ गया, लीजिए मैं भी बैठ गया। अरे बच्चा कह रहा है मैं बैठूँगा, नहीं बेटा आपने नहीं बैठना, चलो ये शुरू कर देते हैं अब। Thank you.
आगे मैंने सोचा मैं भी भूत बन जाऊं, पर नहीं बना गया। मेहता जी ये बन गए मेहता जी भूत। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, अगला झूला झूलते हैं, घूमने आए हैं। अरे भैया कितने की पर्ची है? अच्छा ठीक है। अरे नहीं सीधे 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 सीधे। चलिए अब अगला झूला झूलते हैं, ये घुमाएगा 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 घुमाएगा। चलिए देखते हैं कितना कुछ मज़ा आने वाला है। सीट ढूंढ रहे हैं, लीजिए मिल गई सीट। अरे बैठ गए आराम से। चलिए देखते हैं क्या कुछ मज़ा आएगा। खींच के चलाइए भाई, खींच के। ला भाई तू ला। छोटू मजा आ रहा है, छोटू को तो मजा आ रहा है। क्या करना है? अरे भैया ये झूला बहुत डेंजरस लग रहा था, तो चलिए इसी में भी चढ़ जाते हैं। घूम तो तेज रहा है। चलो भैया रोक लो रोक लो रोक लो। लो भाई रुक गया, मिल गई अपनी सीट। चलिए एक सैर इसमें भी मार के आते हैं। अरे मेरे पास है कोई दिक्कत। भैया सेफ्टी बैग। अरे मजा आ गया मजा आ गया। अरे इधर भैया लोग डांस कर रहे हैं, और इधर हमारे ऐसे लोगों का क्या हाल होगा वो आप ही देख लो। करना नहीं, ओए होए 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 होए। इसमें नहीं आपको खा जाते। और थोड़ी सी ऊंचाई के कारण लगता है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भैया रोक दे यार, रोक दे रोक दे बस। अरे रोक दे भाई बस, रोक दे यार, रोक दे रोक दे बस। भैया रोक दे यार, अरे रोक दे बस। अरे भैया ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये बहुत ज्यादा पड़ी, किसने आना? ओए इसमें नहीं बैठना, आसमान पे आगे पे बैठे। हे भगवान का शुक्र है, उतर रहे हैं उतर रहे हैं उतर रहे हैं।
उतर रहे हैं उतर रहे हैं उतर रहे हैं उतर रहे हैं उतर रहे हैं। और मैंने तो डर के मारे बेल्ट लगा ली, पर ये बच्चा बिना बेल्ट के ही बैठा रहा। रोक दे भाई रोक दे। चलो जी आओ भैया, थोड़ा और तेज चलाना था। बस झूला हो गया, झूले ने हमारा झूला बना दिया। अब चलते हैं किसी गेम की ओर। पुराने जमाने की एक गेम आती है, ये आ गई, ये हाँ बिल्कुल, ये रिंग डालनी होती है और सामान आपका हो जाता है। चलिए ट्राई कर लेता हूँ। अरे दे दो यार भैया दे दो, हाँ दे दो, ये ट्राई करता हूँ, ये लग जाएगी ये। अरे मिल जाए 500 का नोट। अरे थक तेरी की, कुछ भी नहीं मिला। चलिए आप ट्राई कीजिए। अरे भैया गेम खेलने के बाद एक बड़े शानदार शख्स मिले, उनसे आपकी एक बार मुलाकात कराता हूँ। की कहना चाहोगे मेले बारे? मेले बारे यही कहना चाहता हूँ कि मेले में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मैं ही हूँ। आप किसी भी एंगल से मेरी फ़ोटो लोगे तो सेक्सी मैं ही दिखूँगा। और ख़ास करके उन फैमिली के लिए एक मैसेज है जो पूरे परिवार को लेके आते हैं कि इस मेले में खास करके अपने पर्स का ध्यान रखें, फ़ोन का ध्यान रखें, फैमिलीज बच्चों का ध्यान रखें, और ख़ास करके बीवियाँ अपने पति का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लालच लगा देते हैं और पीछे किसी और को पिज्जा खिलाते मिलते हैं। तो इसलिए क्योंकि मैंने देखा है, और ख़ास करके उन पतियों के लिए मैसेज, अगर आप परिवार को मेले में लेके आते हैं तो परिवार को डांटना नहीं है कि पैसा आप किसके लिए कमा रहे हो, फैमिली के लिए। तो फटाफट आइए सिटी सेंटर पार्क महोत्सव में, यमुनानगर महोत्सव में, और मेरे को मिलिए और मेरे से बहुत सारी दुआएं लेके जाइए, क्योंकि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सब रद्दा पला। और सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बता दूं, कहीं भी राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा यहाँ आ चुका है। क्योंकि बंदा कई बार बड़ा शौकीन होता खाने पीने का कि देखो आप पेट से आइडिया लगा सकते हो, तो मैं कल से डाइटिंग शुरू करूँगा जब आप आना शुरू करोगे। तो लव यू ऑल, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।